हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको मैं दिखाने वाला यहाँ पे जो रॉयल पास अपना मंथ 15 है, तो उसके यहाँ पे जो मेल आउटफिट का यहाँ पे जो इन गेम लुक है वो आ चुका है, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा। साथ में यहाँ पे जो कुछ नई स्किन्स आ रही है यहाँ पे अपना स्पोर्ट्स कार टाइप की यहाँ पे किल मैसेज के साथ, तो उनका आप जो लुक है, नेम है क्या होगा, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। साथ में हम बात करेंगे कुछ और अचीवमेंट्स की यहाँ पे, जो कि हमें यहाँ पे 2.2 के अपडेट में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है, तो उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कुछ कार्स आ रही थी और अब तक हमें लग रहा था कि यहाँ पे जो कार्स आएंगे अपग्रेडेबल होने वाली है, आपको यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कार नेम से यहाँ पे एक लकी स्पिन आएगा इन कार्स का, और यहाँ पे जो कार्स है ये तीनों के तीनों अलग होगी, आपको यहाँ पे अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है इनको। आपको जो कार है ये इंडिविजुअली यहाँ पे निकालनी पड़ेगी उस स्पिन या ड्रॉ से। अब देख सकते हो यहाँ पे जो आप कार का लुक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इसमें कलर आता है लेजेंडरी स्किन रैप ग्रीन, यहाँ पे कोप आरबी, तो कोप आरबी की एक स्किन है ये, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी इमेज यहाँ पे रिवील हुई है, और एक ग्रीनिश और थोड़ा सा नियॉन ब्लू टाइप का आपको जो फील है वो दे रहा है कार का, तो मेरे ख्याल से काफी सही लग रहा है यहाँ पे ये वाला कलर। तो फिर इसके बाद यहाँ पे इसका देख सकते हो एलिमेशन ब्रॉडकास्ट है, ग्रीन कलर का ही लग रहा है जैसे यहाँ पे कार है, और लास्ट में इसका जो देख सकते हो यहाँ पे रैप अपना टीम अप ब्रॉडकास्ट है। तो ये दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल आएगा यहाँ पे रैप डॉन, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोपार भी का अपना थोड़ा सा रेड और अपना जो सिल्वर मेटालिक टाइप का जो कलर है वो दिया है, तो ये नॉर्मल सी लग रही है यहाँ पे स्किन, और इसका भी आप जो एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट है, और यहाँ पे नीचे आप इसका जो टीम अप ब्रॉडकास्ट है वो देख सकते हो। और उसका दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आता है यहाँ पे इसका मिथिक मॉडल, तो मिथिक मॉडल का यहाँ पे नेम होने वाला है रैप यहाँ पे यूनिवर्स, तो ये भी यहाँ पे कोप आरबी की स्किन है, और इसमें आई थिंक यहाँ पे जैसा आपको पता है कि यहाँ पे लंबोर्गिनी का स्पेशल एडिशन था, या फिर लास्ट मेरे ख्याल से कॉनिसेक आया था, तो कॉनिसेक का भी जो स्पेशल एडिशन था उसके अंदर जैसे आपको यहाँ पे उसके स्पेशल एडिशन में एनिमेटेड इफेक्ट देखने को मिले थे, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर भी हो सकता है यहाँ पे जो मिथिक मॉडल है उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ एनिमेटेड इफेक्ट है वो देखने को मिले, और एक टाइप का कलर इल्यूजन है जो कि आपको यहाँ पे इनके मिथिक मॉडल्स में देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसका भी आप जो एनिमेशन ब्रॉडकास्ट है और नीचे आप जो टीम अप ब्रॉडकास्ट है वो देख सकते हो, तो काफी सही है, काफी एनिमेट्स है अपना मिथिक है तो होना बनता ही था। फिर अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोप आरवी के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे एक यूएस की भी यहाँ पे स्किन आने वाली है, और इसका यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे रोबस्ट यहाँ पे नाइट सिटी यूएस, तो एक येलो कलर की स्किन है, प्योर आपको येलो कलर देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पे इसका जो ब्रॉडकास्ट है और नीचे आपको इसका जो टीम अप ब्रॉडकास्ट है वो दिख रहा है। इसके अंदर भी यहाँ पे दोस्तों दो और कलर्स आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है रोबस्ट वाइल्ड, तो ये भी यहाँ पे यूएस की स्किन है, उसी अपना स्पिन में आएगी जहाँ पे अपना कोप आरवी की आ रही है, कुछ वाइल्ड टाइप का थीम लग रहा है इसका। इसका जो एलिमेशन ब्रॉडकास्ट और जो टीम अप ब्रॉडकास्ट है वो आप देख सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इसके अंदर भी यहाँ पे जो रोबोस यहाँ पे यूनिवर्स वाला मॉडल है या फिर कलर आप कह सकते हो वो आ रहा है, और जैसा यहाँ पे कोप आरवी का एनिमेशन होगा वैसे ही कुछ हमें सिमिलर सा एनिमेशन यहाँ पे इस यूएस के मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा, और ये वाली स्किन आपको पता है कि मिथिक होने वाली है, तो बाकी सारी चीजें जो यहाँ पे और व्हीकल स्किन के साथ आती है तो वैसी आपको दिख रही है। और लास्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स कार बैडेज, जो कि पहले की तरह यहाँ पे यूज होगा, अगर आपको डुप्लीकेट स्किन मिल जाती है तो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मंथ 15 का रॉयल पास है, तो उसके अंदर यहाँ पे जो मेल वाला आउटफिट आने वाला है, तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे जो आउटफिट होने वाला है उसका एक यहाँ पे छोटा सा टीजर यहाँ पे रिवील हो चुका है, जिसमें आपको जो इन गेम लुक है वो दिख रहा है, तो ये बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो आउटफिट हमारा मंथ 15 का मेल सेट है। हालांकि इस टीजर में आपको यहाँ पे जो आउटफिट है उसका बस थोड़ा सा बैक से व्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है, तो आउटफिट आपको यहाँ पे साइकिल चलाते हुए उसको खोलते हुए और यहाँ पे अपना पेट्रोल भरवाते हुए और देख सकते हो, तो इसमें आप जो क्लोथ इफेक्ट है वो थोड़ा सा देख पा रहे होगा कि जो आउटफिट का वो कैसा होने वाला है। तो इस टीजर को देखते हुए मेरे अकॉर्डिंग तो आज तक शायद इससे बेकार कोई आउटफिट नहीं आया था RP50 या RP100 वाला। अब देखते हैं यहाँ पे जब एक्चुअल गेम में आता है आपको जब इसका पूरा लुक देखने को मिलेगा तब ये जो आउटफिट है वो कैसा दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बैकपैक आप देख रहे हो यहाँ पे इसी टीजर में, वो भी बैकपैक आई थिंक नया है, तो रॉयल पास में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों रॉयल पास में हेलमेट किसके लिए दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैकपैक है वो आपको किसी और जगह देखने को मिल जाएगा। तो चाहो तो मेरे को यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन है यहाँ पे इस टीजर को देखने के बाद इस आउटफिट के लिए, और वैसे आप जैसे ही यहाँ पे पूरा रिपोर्ट जाते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। चाहो तो यहाँ पे एक बार आप फिर से चैनल को यहाँ पे रीसब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप वो वाली वीडियो को यहाँ पे मिस नहीं करना चाहते, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको मैंने लास्ट के यहाँ पे वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो गियर फ्रंट वाली यहाँ पे एक नई अचीवमेंट आने वाली है, तो यहाँ पे दो और नई अचीवमेंट्स है जो कि हमें यहाँ पे जो 2.2 के अपडेट में आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा आपको पता है कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले यहाँ पे जब आपके मैच का रिजल्ट होते तो आपको यहाँ पे कुछ जो मेडल्स हैं वो मिलती हैं, तो टोटल यहाँ पे 5 मेडल्स इन्होंने ऐड किए थे, लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट है उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ जो 2 मेडल्स हैं उनकी यहाँ पे अचीवमेंट आने वाली है। तो एक हमारे पास है यहाँ पे ट्रिपल एलिमिनेशन, इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे जो 6 लेवल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे मैच खेलना है और यहाँ पे जो कॉम्बैक्ट मेडल्स हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं।
तो लेवल वन में आपको सिर्फ हो सकता है एक मेडल कलेक्ट करना पड़े, लेवल टू में आपको यहाँ पर तीन करने पड़े और लेवल थ्री को अनलॉक करने के लिए आपको 10 मेडल्स करने पड़े। तो ऐसे ऐसे इसके जो आगे के लेवल्स हैं वो यहाँ पर डिजाइन हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड वाला यहाँ पे क्वाड्रा एलिमिनेशन है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे जो 6 लेवल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। और बीटा में दोस्तों यहाँ पे किसी की यहाँ पे कंप्लीट भी हो गई थी तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वाड्रा एलिमिनेशन का लेवल वन है तो लेवल वन में आपको सिर्फ बीपी मिल रहा है। तो ऐसे इसके यहाँ पे जो बाकी के लेवल्स है तो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वहाँ पे कुछ एजी और अपना जो स्क्रैप्स होते हैं प्रीमियम क्लासिक अपना जो सप्लाई के और लास्ट में हो सकता है जो लास्ट लेवल 6 हो वहाँ पे आपको जो कूपन्स है वो मिल जाए कि जैसे जैसे आप करोगे तो अचीवमेंट पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे इसके। तो ये दो नई अचीवमेंट है नेक्स्ट डेट में आ रही है। अब जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स आपको मैंने बताया था तो कैरेक्टर्स के भी यहाँ पे जो फाइनल कैरेक्टर वाउचर का लुक है वो यहाँ पे आ चुका है। ये देख सकते हो यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स की यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे आ चुका है वाउचर पे। और लास्ट में यहाँ पे जो नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं रिले और सोफिया 2.2 के बाद से आपको यहाँ पे जो नए कैरेक्टर वाउचर्स हैं वो ही मिलेंगे। जो जनरल वाउचर्स हैं वो यहाँ पे काफी कम होगा, उसका अगर कोई इवेंट आता भी है साल में एक आधी बार आएगा। तो यही था आज की वीडियो में आपको जो दिखाना था। बाकी अब जाते हैं अपने यूट्यूब के रीति रिवाज है लाइक कमेंट सब्सक्राइब वो करके जाना। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।